हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मैं हूं मखसूद शेख वेलकम टू माय चैनल ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आज हम सीखेंगे मराठी का चैप्टर नंबर एट गिरिया रोनाचा अनुभव यहाँ पर गिरिया रोहन का मतलब है पहाड़ चढ़ना यानी माउंटेनियरिंग और अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस शाड़ला सुट्टी लगन होती ईशान विचार करत होता की ही सुट्टी कशी घलवायजी वीडियो गेम त्याला तैयाला आला होता मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन ही खेलता ये होते। शिवाय त्यास त्यास रोमांचक था त्याला गोडी को कैसे गुजारे वीडियो गेम खेलते खेलते वो थक गया था दोस्तों के साथ रोज क्रिकेट फुटबॉल और बैडमिंटन खेला जा सकता था सेम, सेम रोमांचक यानी दिलचस्प कहानियां पढ़ने में उसे इंटरेस्ट नाही था ईशान विचार करू लागला यावेळी सुट्टी मध्ये काहीतरी नवीन करावे काहीतरी असे केले पाहिजे की सर्व कंटाळा नाहीसा होईल परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचे योग्य पर्याय सापडत नव्हता तेवढा त्याला दिलासा मिळणारी घटना घडली त्याला उत्तरकाशीच्या काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला तोच ईशानच्या मित्रा ना ही पाठ आला होता निमंत्रण गिरहन होते। ईशान सोचने लगा इस बार छुट्टी पर कुछ नया करना चाहिए कुछ ऐसा जिससे सारा कंटाला खत्म हो जाए लेकिन काफी सोच विचार के बाद भी उसे अपनी छुट्टी बिताने के लिए कोई भी सुटेबल ऑप्शन नहीं मिल रहा था तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे राहत दी उसे उत्तरकाशी गिरियारोहण यानी माउंटेनियरिंग की संस्थान यानी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर पर एक ईमेल आया था वही मेल ईशान के दोस्तों को भी भेजा गया था गिरहन संस्थान ने उन्हें अपने किसी अभियान में यानी कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया था यानी इनविटेशन भेजा था वास्तविक ईशान ला गिरोहना चाहेष छा गिरहन आता छंद राहिला लागले होते त्यांनी आपल्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या त्याचे अनेक मित्रही याच संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते आणि त्यांनी ईशानबरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता दरअसल ईशान को गिर्यारोहण का खास शौक था गिरियारोहण अब उसका शौक नहीं बल्कि उसके लिए वो पागल था वो अपने शहर में पहले से ही एक मशहूर पर्वतारोहण संस्थान यानी माउंटेनियरिंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुका था बेहतरीन ट्रेनिंग की वजह से उसे पहाड़ चढ़ने की कई बारीकियां समझ में आ गई थी उसके कई दोस्त भी इसी संगठन यानी इंस्टीट्यूट में गिरारोहण सीख रहे थे और वो ईशान के साथ पहाड़ियों पर चढ़ने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड विशालकाय खडक हिरव्यागार गाठी आणि वेगाने वाहणारे स्वच्छ पाण्याचे पहाडी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत गिरियारोहण का तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस बहुत रोमांचक था यानी एक्साइटिंग था आसमान को छूते ऊंचे पहाड़ विशालकाय यानी दिग्गज जायन चट्टाने हरी भरी घाटिया और उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ में तेज बहने वाली साफ पानी की पहाड़ी नदियां अपने साथियों का साथ देती थी जब उन्हें मौका मिलता तब वो लोग जरूरी सामान और लगेज बैग लेकर क्लाइंबिंग के लिए चले जाते थे उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य प्रशांत अमन आणि सक्षम यांना दिली सर्वच मित्र फार खुश झाले ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली होती उत्तरकाशी पर्वतारोहण संस्थान यानी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का मैसेज पढ़कर ईशान बहुत खुश हुआ उसने तुरंत इस इनविटेशन की डिटेल्स अपने दोस्त प्रशांत अमन और सक्षम को बताई सभी दोस्त काफी खुश हुए मानो वो छुट्टियों में पहाड़ी पर जाने का इंतजार कर रहे थे स्कूल की छुट्टी शुरू होने से पहले ही वो पहाड़ी पर जाने की तैयारियां करने लगे थे शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तर काशीला पोहोचले वाटेत उंच उंच पहाड पाहून ते फार रोमांचित झाले होते स्कूल की छुट्टी होतेही सभी दोस्त टॅक्सीचे ऋषिकेशचे उत्तर काशी पोहचे रास्ते मे उचे उ उचे पहाड देखकर वो बहुत उत्साहित हुए यानी एक्सायटेड हुए गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते सर्व मित्रांनी मिळून ने उत्तर किया। ईशान और उसके दोस्त अपने साथी यानी क्लाइम्बर्स से मिलने के लिए काफी उत्साहित थे एक्साइटेड थे सभी मित्रों ने पर्वतारोहण यानी क्लाइंबर्स की मदद से उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने का निश्चय किया यानी डिसाइड किया गिरोहन शुरू उंच पहाडावर गिर्यारोहण करणे काही सोपे काम नव्हते अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणारे चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोहोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते आणि ते आपला सर्व थकवा विसरून गेले होते परंतु गंगोत्रीला पोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पडणारे दृश्य होते पहाडामधून आलेला ढग आकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे तर दुकाने हॉटेल्स आणि धर्मशाळा उध्वस्त करून टाकल्या होत्या बरीच घरे आणि गॅस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोक मृत्यूमुखी पडले होते नदीने रौद्र रूप धारण केले होते गिर्यारोहण चढाई सुरू हुई उचे पहाड पर चढना ये कोई आसान काम नहीं था कई घंटे की मेहनत और थका देने वाली चढ़ाई के बाद आखिरकार वे गंगोत्री पहुंचे ईशान और उसके साथी गंगोत्री पहुंचने के बाद काफी एक्साइटेड थे और वो अपनी सारी थकान भूल गए थे लेकिन गंगोत्री पहुंचकर उन्होंने जो देखा यह दिल दहलाने वाला नजारा था पहाड़ियों से आ रहे बादल अचानक फट गए और गंगोत्री पर खौफनाक हंगामा मच गया पानी के खतरनाक बहाव से न केवल मंदिर के परिसर बल्कि दुकानें, होटल और धर्मशालाएं नष्ट हो गए कई घर और गेस्ट हाउस नदी के तेज बहाव में बह गए इस भयानक अग्नि परीक्षा में यानी खौफनाक आजमाइश में बहुत से लोग मारे गए नदी ने रौद्र रूप यानी डरावना रूप धारण कर लिया था या तांडवत अपने अपतेष्टा न गवल संपुदून संपुदून रड़त होते भूस्खलन ठिकठिकाणी थीक अनेक तीर्थयात्री अडकले होते ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निघाले होते परंतु येथे त्यांना सर्वस्व गमवावे लागले होते ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर हे सर्व पाहिले तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साह नाहीसा झाला ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मुकपणे पाहू शकत नव्हते इस त्रासदीमे अपनों को खोने के कारण लोग रो रहे थे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग के कारण कई तीर्थयात्री अलग अलग जगहों पर फंस गए वो बेचारे चारधाम की यात्रा पर निकले थे लेकिन यहाँ उन्हें सब कुछ गवाना पड़ा जब ईशान और उसके साथियों ने पहाड़ी पर यह सब देखा तो उनके शरीर पर कांटे उभर आए और गिरियारोहन यानी चढ़ाई का सारा उत्साह जोश गायब हो गया ईशान और उसके साथी इस स्थिति को चुपचाप नहीं देख सकते थे अचानक तेथे ते भुकेने व्याकुळ झालेले एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटांची मागणी केलेली ईशानने पाहिले वडिलांनी जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली तेव्हा तो म्हणाला बिस्किटांचा एक पुडा शंभर रुपयांना मिळेल आणि पाण्याची बाटली दोनशे रुपयांना मिळेल ईशानने देखा अचानक एक भुका लडका आपले पिता से बिस्कुट मागता आहे पिता ने दुकानदार से एक बिस्कुट के पैकेट की कीमत पूछी तो उसने कहा बिस्किट का एक पैकेट सौ रुपए में मिलता है और पानी की बोतल 200 सौ रुपए में मिलती है दूसरा एक होटल मालक जेवना ची थाली ची कीमत दोन हजार रुपये वसूल करत होता दुकानदार ही मनमानी पाहून, ईशान आणि त्याचे साथीदार हैरान झाले होते ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले काका ही तर सडळ लूटमार आहे पांच रुपयात मिलना बिस्किट पुड़ा की शंबर रुपये पंद्रह रुपया की एक प्लेट के दो हजार रूपए ले रहा था दुकानदारों की इस मनमानी को देख ईशान और उसके साथी हैरान रह गए उन्होंने इसका विरोध किया और दुकानदार से कहा काका यह तो सीधी लूटमार है डकेती है पांच रुपए के बिस्किट के पैकेट की कीमत सौ रुपये और पंद्रह रुपये के पानी की बोतल की कीमत दो सौ कैसे हो सकती है मुला अपने काम करा ये पहाड़ा वस्तु ज्याला गरज वाटेल तो खरीदी करेल दुकानदार रागा ने मनाला लड़को अपना काम करो यहाँ पहाड़ पर सामान इसी कीमत पर मिलता है दुकानदार ने गुस्से से कहा जिसको इसकी जरूरत होगी वह इसे खरीद लेगा ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली जखमी यात्रेकरूंवर केले त्यांची मलमपट्टी केली आणि औषधे दिली हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली आणि बुकेल्या मुलांना आपल्याबरोबर आणलेली फळे बिस्किटे व पाण्याच्या बाटल्या दिल्या ईशान और उसके साथी खामोश रहे उन्होंने तीर्थयात्रियों की इस मुसीबत में मदत की घायल श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड किया गया और उनकी पट्टी करके दवा दी उन्होंने खोए हुए तीर्थयात्रियों को खोजने में मदद की और भूखे बच्चों को अपने साथ लाए फल बिस्कुट और पानी की बोतलें दी संध्याकाल झाली होती ईशान आता खूब भूख लगली होती साथीदार ही भूख लगली होती विश्रांति की गरज जानवत होती पहाड़ा कड़ेला एक हॉटेल सारखे घर दिखा ते मोठे आशेने घर मालकाकडे गेले आणि म्हणाले काका आम्हाला खाण्यासाठी थोड़े अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल शाम हो गई ईशान को अब बहुत भूख लगी थी उसके साथी भी भूखे थे उन्हें आराम की जरूरत महसूस हुई पहाड़ी पर एक होटल जैसा घर देखकर वो बड़ी उम्मीद से मालिक के पास गए और बोले काका क्या आप हमें खाने के लिए कुछ खाना और रात को ठहरने के लिए एक कमरा दे सकते हैं। हो परंतु जेवने सा दह हजार खोली भाड़े पंद्रह हजार रुपये दयावे लगे दुकानदार का लेकिन खाने के लिए दस हजार रुपये और कमरे के पंद्रह हजार रुपये देने होंगे दुकानदार ने कुछ रुखे स्वर यानी बदतमीजी से कहा ऐकुन ईशान मनाला परंतु काका ही की आनी खोली भाड़े फार जास्त आए ये सुनकर ईशान ने कहा लेकिन अंकल ये खाने और कमरे का किराया बहुत ज्यादा है मुला जीव वाचने साथी ही कीमत तर काहीस नहीं जरा विचार कर जर भूख लागले वर तुम्हाला जेवन मिला ले नहीं आनी रात रभर खुले आकाशा खाली जोपावे लागेल तर तुमचे काय हाल होतील बेटा जान बचाने के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है चलो अगर तुम्हें भूख लगे और खाना न मिले और रात भर खुले आसमान के नीचे सोना पड़े तो तुम्हारा क्या होगा करत होते अचानक पहाड़ा एक घर मोटा आवाज होली कोसल सर्व सर्वजन पड़ेल घर दाबले गेले। अचानक जोरदार आवाज हुई ईशान और उसके साथी आपस में चर्चा कर रहे थे अचानक पहाडी पर बना एक घर जोरदार आवाज के साथ गिर गया सभी गिरे हुए घर में दब गए ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले घरात राहणारे लोक झाडात अडकले होते ईशानला अशा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता त्याने गिर्यारोहण संतेत पहाडावरून खाली पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे खास प्रशिक्षण घेतले होते तो जाड व मजबूत दोराच्या साहाय्याने खाली उतर ला यानी अड़क ले लिया सर्वाना और उसके साथी सब कुछ भूल कर काम में लग में लग गए। घर रहने वाले लोग देवदार के पेड़ में फंस गए थे। इशान को ऐसे हालात का अच्छा अनुभव यानी एक्सपीरियंस था पहाड़ से गिरे लोगों को बचाने के लिए उसने पर्वतारोहण संस्थान यानी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी वह एक मोटी और मजबूत रस्सी के सहारे नीचे उतरा और फसे हुए सभी लोगों को बाहर निकाला ईशान व त्याचे साथीदारांना ही रात्र पहाडावर घालवावी लागली त्यांनी आपल्या बरोबर नायलॉन तंबू आणला गैरसोय झाली नाही पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती आणि हवाई दलाचे हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान सुरूही केले होते ईशान साथियों को व रात पहाड पर गुजारनी पडी वे अपने साथ नाइलॉन का टेंट लाए थे उस आधुनिक यानी मॉडर्न टेंट में उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा सेना को पहाड़ी पर हादसे की सूचना मिली और वायुसेना ऑपरेशन शुरू किया सकावर ईशान ने वित्रां आसपास जंगल लाकड़े गोला कर ली व आग लीत धूर हा हवाई दलाकॉप्टर हाँ एक संकेत होता योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर धूर पाहून खाली आले व पहाडाच्या वर घेट्या घालू लागले हवाई दलाच्या जवानांनी पहाडावर अडकलेल्या यात्रेकरूंना ईशान व त्याचे साथीदारांना पाहिलेत ईशान व त्याचे साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टर पर्यंत पोचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदत केली अगले दिन सुबह ईशान और उसके दोस्तों ने आसपास के जंगल से लकडी इकट्ठा करके लाए और उन्हें जलाया उससे बहुत धुआं निकला यह वायुसेना यानी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए इशारा था संयोग से यानी इत्तेफाक से एक हेलीकॉप्टर धुआं देखकर मंडराने लगा वायुसेना यानी एयरफोर्स के सैनिक ने पहाड़ी पर अटके तीर्थयात्रियों और ईशान के साथियों को देखा ईशान और उसके साथियों ने तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने के लिए वायुसेना के जवानों की मदद की हवाई दलाचे हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले होते हवाई दला जेव्हा ईशान व त्याचे साथीदारांचे बहादुरी प्रशंसा केली एवढेच नव्हे तर त्यांनी या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली एअरफोर्स के हेलिकॉप्टरने सभी लोगों को सुरक्षित जगा पर दिया था एअरफोर्स के ऑफिसर को जब ईशान और उसके साथियों की बहादुरी के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी की सराहना की यानी अप्रिशिएट किया इतना ही नहीं उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश भी की कि इन बच्चों को वीर पदक से सम्मानित किया जाए तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेले दुর্ঘटणेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले तेव्हा ते तेव फार खुश झाले होते गिरिया रोनाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहणार होता वहां ईशान और उसके साथी पहाड़ी पर के हादसे के बाद सुरक्षित घर पहुंचे तो वो बहुत खुश थे पर्वतारोहण यानी माउंटेन क्लाइंबिंग का ये एक्सपीरियंस उनके लिए यादगार था इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे